भारतवासियों को मेरे तरफ से और पूरे भारतीय सेना के तरफ से शुभकामनाएं। आप सबने इस कड़ाके की सर्दी में यहाँ आने का कष्ट किया है, उसके लिए मैं आभारी हूँ। आज सेना का चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ पद संभालने पर मुझे बड़ा गर्व है, लेकिन इसके साथ साथ ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है वो उसका भी मुझे एहसास है। और मैं वाहेगुरु जी से प्रार्थना करता हूँ कि वो मुझे इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए शक्ति, साहस और बुद्धिमत्ता दे। आज एक नए साल की ही नहीं बल्कि एक नई दशक की भी शुरुआत है, और मुझे पूरा भरोसा है कि इस नए दशक में हमारा देश बड़ी उन्नति और तरक्की करेगा। लेकिन ये तरक्की तभी हो पाएगी जब हमारी सरहद सुरक्षित होंगे। जब हमारी सरहदें सुरक्षित होंगे, महफूज होंगे, तभी हम अपना कामकाज कर पाएंगे और तभी देश में प्रगति होगी। मैं अपने देशवासियों को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि तीनों सशस्त्र सेनाएं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, पूरी तरीके से तैयार हैं और अपने देश को सुरक्षित रखेंगे और इसके दामन पर कोई आंच नहीं आने देंगे। थल सेना के जवान सरहद पर तैनात, तैयार और चौकन्ना है 24/7/52। आने वाले समय भी, भविष्य में भी हम आने वाले चुनौतियों का तैयारी करते रहेंगे। हमारी थल सेना युद्ध अनुभवी है और भविष्य में भी किसी भी खतरे को टालने के लिए सक्षम। एक बार फिर आप सबको और पूरे थल सेना के अफसर, JCOs, NCOs और बहादुर जवानों को मेरे तरफ से नए साल के शुभकामनाएं। थैंक यू। Can you repeat the question? Yes, sir. You have some time for what are your priorities? What are the major issues you are going to look at now that you take over as chief? Can you concentrate on the immediate? Our priorities will always remain to be ever ready to meet any challenge and to be operationally prepared at all times. This will happen as a result of modernization. We will continue to build up our capabilities, especially in the north and northeastern regions of our country. We will also pay emphasis on raising the security awareness amongst our rank and file, as also pay special attention to the issue of human rights. हम जो भी थ्रेट्स है इसके ऊपर हमेशा हम गौर करते रहते हैं। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जहाँ पर हम क्या भविष्य में चुनौतियाँ होने वाली हैं इसके ऊपर गौर करते हैं और उसको और उसके साथ कैसे निपटना है उसके लिए हमेशा हमारी प्लानिंग रहती है।